वहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट बनाया गया। देखिए आप आके अगर आपकी मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गई हो तो आप यहाँ पे आके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये पोर्ट लगाया गया है, आप यहाँ पे अपने जो है डाटा केबल को लगा के चार्ज कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे लगाया गया, अगर आपका वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता तो आप यहाँ पे रख के जो है इसको भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ श्री रामपथ से लेकर डायरेक्ट जो है नए घाट से लेकर डायरेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ राम मंदिर तक का नज़ारा कि कैसा है नज़ारा और क्या क्या निर्माण कार्य इसमें हो रहे हैं, कितनी भीड़ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो राम की पैड़ी से जल जो है निकल के आता है पानी वही वाला है और ये डायरेक्ट होते हुए इधर से आपको राम हाट होते हुए डायरेक्ट ये सरजू नदी में फिर से मिल जाता है। अभी फ़िलहाल जो है सरजू घाट से सरजू नदी से पानी आता है इसमें, इसको बंद कर दिया गया है, मोटर बंद कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये है लता मंगेशकर चौक, यहाँ पे वीणा आपको दिखाई। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि इस रूट पे आपको जो है एक सुविधा और मिल जाए, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये जो सूर्य स्तंभ यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए ये सूर्य स्तंभ यहाँ पे है और इसी रूट के जस्ट बगल में आप आएँगे ये वाला रास्ता आएँगे जहाँ से श्री राम पथ पर जाया जाता है, वहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट बनाया गया। देखिए आप आके अगर आपकी मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गई हो तो आप यहाँ पर आके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये पोर्ट लगाया गया है, आप यहाँ पे अपने जो है डाटा केबल को लगा के चार्ज कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे लगाया गया, अगर आपका वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता तो आप यहाँ पे रख के जो है इसको भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें हैं, भाई साहब यहाँ पे चार्ज भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी इसके जस्ट बगल में आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे भी एक पार्क बनाया गया है जहाँ पे सूर्य का मुखौटा जो है, अभी वहाँ पे भी ले चल रहा हूँ आपको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप राम मंदिर जाना चाहते हैं, हनुमानगढ़ी रेलवे स्टेशन, ये सब सारी चीज़ें आप इस पर भी जो है इस पर भी सफ़र कर सकते हैं आप। ये देखिए ये पार्क एक छोटा सा है जहाँ पर लोग आके जो है यहाँ पर भी विश्राम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला ये मुखौटा बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है एक हिसाब से, यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। ये वाला रास्ता आपको लेकर जाएगा डायरेक्टली जो है राम मंदिर हनुमानगढ़ी और सारी जगह पे आपको यही रास्ता लेकर जाएगा। अगर आप इस रास्ते से अंदर की तरफ जाते हैं तो आप जा सकते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर की तरफ। चलिए लेकर चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। और ये है यहाँ का जो है इलेक्ट्रिक बस जिस पर आप सफ़र करके डायरेक्टली कम कीमत में जो है अयोध्या में सफ़र भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सामने की तरफ आपको इलेक्ट्रिक बस दिखाई देगी और कुछ और ई रिक्शा वगैरह भी इस रूट पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको लेकर जाते हैं पूरे के पूरे इस रूट पे आपको सफ़र कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ का श्री राम पथ। श्री राम पथ पे दोस्तों ये पूरा निर्माण की बात करें अगर तो ये 13 किलोमीटर का पूरा जो है निर्माण कार्य हुआ है इस रोड पर और आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पूरी की पूरी आपको इस रूट पे आपको लाइट वगैरह जो है और बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे बैठने के लिए भी अगर आप थक जाते हैं बैठने के लिए भी और लाइट की व्यवस्था पूरी पूरी व्यवस्था आपको इस रूट पे देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत सारे हुनर उड़ाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है रोड ऐसा बनाया गया कि घुस गया। दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, अगर 13 किलोमीटर के निर्माण में कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें आ भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल उसी दिन उसी के दूसरे दिन जो है वो चीज़ें भी यहाँ पे सही कर दी गई थी। और देख सकते हैं आप पानी का भराव थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि कचड़े होते हैं यहाँ पे, जो वो कचड़े जो है जो सीवर होते हैं उसमें भर जाते हैं, सफाई वगैरह होती रहती है सुबह शाम और कुछ टाइम बीच में भी सफाई होती है यहाँ पर, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दिक्कत है इस रूट पर। आप देख सकते हैं आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि ये रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। और लाइट की व्यवस्था आप देख सकते हैं, रोड लाइट आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगी यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस वीडियो को मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलूँगा जो है राम मंदिर होते हुए, मैं आपको गुरु वशिष्ठ चौक तक इस वीडियो को मैं कंसिस्टेंट करूँगा और आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ यहाँ पर जो है
कैसी कैसी निर्माण कार्य कैसे कैसे हुए हैं और क्या क्या चीज़ दिक्कत में है इस समय, और साथ में जो आपको यहाँ की जो है पब्लिक कितने आते हैं, क्योंकि बीच में पब्लिक आना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अभी 3-4 दिन की बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कम हो गया था यहाँ पर पब्लिक आना, लेकिन इस समय की बात बताऊँ दोस्तों तो कुछ पब्लिक यहाँ पर जो है दिखाई देना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये दिक्कत क्या थी, शायद हो सकता है कि स्कूल में जो है एडमिशन वगैरह को लेकर, क्योंकि जुलाई का महीना है, बच्चों को जो है स्कूल के जो है छोड़ने के लिए या फिर कुछ एडमिशन कुछ कापी किताब वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों के लिए भी, तो हो सकता है इसी के लिए लोग नहीं आ रहे थे, या हो सकता है कि जो पानी का जो दिक्कत हुआ था, जैसे कि इस समय जो है बारिश का माहौल हमेशा रेड अलर्ट पर रहता है, मौसम विभाग वाले रेड अलर्ट पर लगा देते हैं कि बारिश यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी सरजू घाट की, जो है मैंने आपको दिखाया था सरजू नदी का कि फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बीच में जो है सही हो गया, लेकिन तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती रहती हैं यहाँ पे, तो उसी को लेकर हो सकता है लोग डरे हुए थे कि कहीं बाढ़ वगैरह अयोध्या में ना आ जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों बाढ़ ऐसे अयोध्या में नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत ऊँचाई पर है अयोध्या। और अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो, और मैं उसको लास्ट में जो है एंड स्क्रीन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। अभी दोस्तों जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये जगह है दोस्तों क्लॉक टावर या अयोध्या का, और सामने की तरफ आप देख रहे होंगे सामने की तरफ एक रास्ता ये वाला जाता है जो आपको लेकर जाएगा भक्ति पथ पर, और भक्ति पथ जो है डायरेक्ट आपको जो है यहाँ से हनुमानगढ़ी दशरथ महल और कनक भवन अमावा राम मंदिर इन सभी रास्तों पर ये रास्ता आपको इन सभी जगहों पे लेकर जाता है, बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप आइए, और मुश्किल से 10 से 20 रुपया किराया देकर आप जो है सरजू घाट से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से आप पैदल अपना जो है पूरा का पूरा, क्योंकि कोई गाड़ी वाला आपको जो है यहाँ पे दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि अंदर गाड़ियाँ अलाउ है नहीं, तो गाड़ी अलाउ नहीं है तो आपको पैदल ही करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे उतरना है डायरेक्टली जो है भक्ति पथ पे, भक्ति पथ से आप जो है पहले हनुमानगढ़ी दर्शन कीजिए, उसके बाद में आप जा सकते हैं डायरेक्टली जो है कनक भवन जाइए, फिर दशरथ महल, उसके बाद में आप जा सकते हैं हमारा राम मंदिर, फिर राम मंदिर के लिए भी उधर से रास्ता दिया गया है, आप उधर से भी आ सकते हैं, लॉकर भी उधर दिया गया है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप इधर से भी जो ये रास्ता है आगे से जो है राम जन्मभूमि पथ के पास जाके, फिलहाल आपको ये सारे रास्ते जो है आपको पैदल ही करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है पुलिस वाले जो है गाड़ी को आने नहीं देते हैं। जो गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी ये यही की है या फिर VIP लोग उसमें सवार होंगे, यही एक जो है जरिया होता है कि आप यहाँ पे जो है पैदल आ सकते हैं इतने दूर। देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपको ई रिक्शा वगैरह दिखाई दे रहे होंगे ये उधर से उस साइड से जो है आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा इसीलिए इधर आ रहे हैं, हो सकता है इस पर भी आप जो है सवारी कर सकते हैं। और यहाँ पे होटल आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट आपको बहुत ही जल्द, अभी लगभग 10 दिन हुआ है ये रेस्टोरेंट खुले हुए, आप यहाँ पे भी आके जो है चाय नाश्ता या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अभी हम पहुँचे हुए हैं राम जन्मभूमि पथ पे, बगल में राम जन्मभूमि पथ है, यहाँ से जो है तकरीबन 500 मीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा राम भगवान के दर्शन करने के लिए, और इस तरफ जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बिरला मंदिर और बिरला धर्मशाला, दोनों आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य हो रहे थे फिलहाल, और अभी हो भी चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है, और इसमें आप आके यहाँ पे भी आप होटल वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए सामने की तरफ आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे अयोध्या जंक्शन का रेलवे स्टेशन आपको दिख जाएगा, जहाँ से आप जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, सभी रूटों पर आपको यहाँ पर गाड़ियाँ मिल जाएगी। और आगे की तरफ चलेंगे तो आगे आपको देखने वाला है दोस्तों गुरु वशिष्ठ चौक पे दोस्तों हम बात करें तो ये रास्ता बिल्कुल VIP बनाया गया है गुरु वशिष्ठ चौक वाला, अगर आप आते हैं अपने 4-व्हीलर गाड़ी से तो वहाँ पे आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, आप अपने कार को वहीं पर पार्क कर सकते हैं और वहाँ से फिर ई रिक्शा करके आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया उसके बाद में आप भक्ति पथ का सहारा ले सकते हैं हनुमानगढ़ी वगैरह के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 मंदिर है जो बहुत ही विख्यात है, फिलहाल मंदिर की बात करें तो तकरीबन 8,000 मंदिर है, लेकिन आप जो मेन मंदिर है वहाँ के दर्शन आप बहुत ही जल्द कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं कहीं दूर से तो एक दिन में आप अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं, फिलहाल थोड़ी सी दूरी पे जो पड़ते हैं वो भी अगर आप चाहें तो एक दिन में वहाँ का भी दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद में रात में अपने गाड़ी से या फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं अपने घर के लिए। और
सामने अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये यहाँ पे अभी 11 नंबर बूथ है दोस्तों, यहीं से जो है राम मंदिर के लिए जितने भी कंक्रीट वगैरह जितने भी पत्थर वगैरह राम मंदिर में लगने के लिए आते हैं, ये देखिए ये सब गाड़ियों में ये जितने भी गाड़ी हैं इसमें लगे हुए हैं, इसमें लद के रहते हैं। उसके बाद में जो 11 नंबर जो गेट है उसी रास्ते से जो है राम मंदिर में अंदर जाते हैं सारे सामान, और वहीं पे जो है लगाए जाते हैं इनको। अभी चौधरीकरण में दोस्तों यहाँ पे भी जो है मस्जिद थी, ये भी पीछे गया है जो कि ये बगल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और मस्जिद का कलर भी सेम जो है उसी कलर से है जिस कलर के इसका जो है कॉमन कोड बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सभी कॉमन कोड जितने बिल्डिंग है एक कलर के किए जा रहे हैं, और मंदिर का मस्जिद का भी कलर उसी तरीके से किया जाए, क्योंकि वो अगर कोई भी चीज़ रोड पे है तो सेम कलर होगा। अगर किसी ने दूसरे कलर का करा रखा है, फिलहाल एक मस्जिद है यहाँ पे वो दूसरे कलर का है, तो पुलिस वाले भी उस पर संज्ञान ले सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए दोस्तों अभी सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये है गुरु वशिष्ठ चौक, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये सामने वाला जहाँ पर भगवान राम की एक पेंटिंग बनी हुई है यही है यहाँ का जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आइए आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, और मल्टी लेवल कार पार्किंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये है दोस्तों यहाँ का मल्टी लेवल कार पार्किंग, और ये रास्ता आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा NH 27 मेन हाईवे की तरफ, और इसके जस्ट बगल में आपको अरुंधति फूड पैलेस दिख जाएगा, जहाँ पे आप जो है आके यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं, और यहाँ पे जो है डोरमेट्री की सेवा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर हमारे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि ऐसे ही जो है वीडियो अपने इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।